हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रियलमी C20Y एंड रियलमी C25i के बारे में। और गाइस, हमारे आज का टॉपिक है लैंग्वेज एंड इनपुट सेटिंग। कई सारे लोगों को क्या होता है, मतलब गलती से जो लैंग्वेज चेंज हो जाती है तो काफ़ी दिक्कत जाती है। कई सारे लोगों को क्या लैंग्वेज मतलब चेंज करना रहता है, जो मोबाइल यूज़ करते नहीं होता नए लोगों को। तो यार मैं बताता हूँ कि आप कैसे कर पाएंगे, तो इस वीडियो में बने रहिए। तो इसलिए डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे आ जाइएगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आने के बाद आपको सिस्टम वाले ऑप्शन पे जाना है या लैंग्वेज इनपुट पे चले जाइएगा। और लैंग्वेज का ऑप्शन दिख रहा है तो यहाँ पे ऐड लैंग्वेज कर लीजिएगा। और हिंदी से इंग्लिश है तो हिंदी ऐड कर लेना है। हिंदी ऐड करने के बाद आपको ये इंग्लिश को क्या करना है, यहाँ पर ये कोई भी एक को यहाँ पर रिमूव कर देना है। ये जो इंग्लिश भाषा है मेरी क्या रिमूव हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिमूव हो चुकी है। तो जो मेरा जो भाषा है यहाँ पे पूरी हिंदी हो गई। अब मेरे को फिर से इंग्लिश करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भाषा पे चले जाऊँगा, मैं फिर से भाषा जोड़े पे जाऊँगा और इंग्लिश वाला ऑप्शन देख लूँगा, इंग्लिश इंडिया। और यहाँ पे थ्री लाइन पे जाऊँगा, निकाले और हिंदी को मैं निकाल दूँगा। तो दोस्तों, आज अपन ने सीखे कि आप अपनी कोई लैंग्वेज अपने मोबाइल की कैसे लैंग्वेज को अपन चेंज कर पाते हैं। दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती कि आप सभी को पता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।